जिला कवर्धा ब्लॉक पंडरिया से 20 किलोमीटर दूरी पर ग्राम सजनखार में 50-55 बैगा आदिवासी निवासरत हैं। उस गांव के हैंडपंप के आसपास पिछले 6-7 वर्ष से रिपेयरिंग उखड़ने से कीचड़ दलदल होने के कारण वहां के बच्चों महिलाओं को निस्तारी करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके गांव में कब से हैंडपंप है दीदी? यह 15 साल हो गए दीदी। और हैंडपंप के आसपास कीचड़ और कब से उखड़े हैं? 6 साल हो गया। तेरा कहाँ करते हैं? हम पाठ देखते पथरा पाठ देखते मुरूम पाठ देखते बने कि नहीं। इस वीडियो को 3 माह पहले बनाई गई थी और तुरंत ग्रामीणों के साथ धनीराम सरपंच जी को हैंडपंप के आसपास मुर्मीकरण रिपेयरिंग करवाने के संबंध में फोन द्वारा बात किए। गांव के लोगों ने मेरे को बुलवाए और हैंडपंप के पास रिपेयरिंग करवाने के संबंध में वीडियो बनवाए। फोन द्वारा रिपेयरिंग करवाने के लिए बोला गया। सरपंच धनीराम परस्ते जी ने जल्दी बनवाने का वायदा किए और 2 माह के बाद बनवा दिए। दीदी ये बलवायन ता फिर कहो वा कमरा इडवाई वा बना के ये समस्या करिस तहा ले फिर सिर पना चला बला हो कही तहा बला तही बला कह रहा हम ही बलायन गला सिर पना चे तो फिर आइस तो आसान के आइस ता वो कमरा में बोली ला डर रही ताल फिर अभी लकर भेजी नहीं कर भी कहा तो फिर वो 4-5 दिन में वह फिर बनवाई। और पहले काबर क्यों नहीं बनाई? अब पहले तो आन वो काबर से हमार का आने का समस्या करे भाई तो हमला पूछा ही ना देखा ही नहीं करे ना ये भाई का भाई ना कृष्ण भाई ना हमन दोहन वार यहाँ कैसे जुकाने कृष्ण भाई पानी पीने के जुकाने भाई हमला जाने च नहीं और बहुत पाए पड़ती थी यहाँ वो दीदी ला बला यहाँ था। कौन दीदी ला? दीना दीदी ला। मैं इंडिया अनहर्ड को धन्यवाद देती हूँ। इंडिया अनहर्ड के द्वारा पहल करने से ग्राम सजनखार के लोगों पे इम्पेक्ट आया। मैं दीना गनवीर, ग्राम सजनखार ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।